तो दोस्तों, बायोजोन में आपका स्वागत है। और देखते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस एंड वायराइड्स के एमसीक्यूज को, जो नेक जो उसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम ए वायरस इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ट्रू न्यूक्लियस, कॉजिंग डिजीज या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल सब क्वेश्चन नंबर 102 इन बैक्टीरिया सेक्स इज डिटरमाइंड बाई, तो इसमें जो है किस प्रकार जो है सेक्स डिटरमाइंड होता है। 102 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ इपिसोम्स। नाउ मूव सब क्वेश्चन नंबर 103। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, तो कौन सा इसमें बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें कौन सा होगा, बी मीजल्स होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, रेबीज होगा, या जो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 104। इपिसोमिक एलिमेंट आर फाउंड इन, तो इपिसोमिक एलिमेंट किसमें पाया जाता है, वायरस में या बैक्टीरियल जीनोफोर में या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में या मीजोसोम्स में। तो 104 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, कौन सा इसमें जो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो 105 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, बैसिलस सबटिलिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 106। तो ये कह रहा है सम बैक्टीरिया आर नॉट इजिली किल्ड बिकॉज ऑफ, मतलब कुछ बैक्टीरिया इजिली नहीं मारे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, टॉलरेंट पावर, काइटिनस वॉल या एंडोस्पोर फॉर्मेशन या कैप्सूल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 106 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज राइट है। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 107। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेंड फ्रॉम, किससे पाया जाता है मोस्टली बैक्टीरिया। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस गिव्स द एंटीबायोटिक, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से या क्लोरोमाइसिन से या टेरामाइसिन से या पॉलीमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 109। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, किसके द्वारा कन्वर्टेड होता है। तो ये कह रहा है जैंथोमोनास सिट्री या बेसिलस मेगाथीरियम या एसिटोबैक्टर एसिडाई या नॉन ऑफ दिस। तो 109 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 109 नंबर का क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि इसमें कोई नहीं। कह रहा है रिकेटसी ग्रुप ऑफ, रिकेटसी ये किसका ग्रुप है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बैक्टीरिया। कह रहा है कि कर्व्ड और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया ऑफ कॉलरा इज टर्म, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो, क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो इसको ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 112। यानी कि इन बैक्टीरिया, कह रहा है कि इन बैक्टीरिया कौन सा सही, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड रिंग्ड। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन, मतलब डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड रिंग्ड। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन, तो इसमें कौन सा होगा, एजाइटोबैक्टर, रोटोस्पिरुलम, एसिडोमोनास या राइजोबियम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 114। इन इफ ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड इन एवरी 20 मिनट, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड इन 2 hours। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 115। कह रहा है क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय, क्राउन गॉल डिजीज किसके द्वारा कॉज्ड होता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बैक्टीरिया। इसके बाद नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा है बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी मिल्क आर, तो इसमें कह रहा है कि एसिटोबैक्टर, राइजोबियम या लैक्टोबैसिलस या हेबैसिलस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 117। कह रहा है ए कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, कह रहा है एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी कोगुलेंट। तो इसमें जो एंटीबायोटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है नाइट्रोसोमोनास क्या कन्वर्ट करता है। 118 का राइट आंसर क्या होगा, अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्रोजन को अमोनिया में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि अमोनिया को नाइट्राइट में। तो 118 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 119।
कह रहा, हु डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस बाई ए सेल्फ फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ हीट किल ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब इसमें ऑप्शन 119 का जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैकलियार्ड। तो इसके बाद नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 102। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम एल्कोहल इज कॉज्ड बाई, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एसिडोबैक्टर एसिटाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 121। कह रहा है स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन यूनिसीलेट चेन्स आर कॉल्ड, तो इसमें जो है कौन सा होगा, कोकस होगा, बैसिलस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस होगा या स्टेफाइलोकोकस होगा। तो 121 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 122। बैक्टीरियल राइबोसोम आर कॉल्ड, बैक्टीरियल राइबोसोम कौन सा होता है, पॉलीराइबोसोम, ऑटोसोम, माइटोकांड्रिया या राइबोसोम। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 123। बैक्टीरिया लैक्स, बैक्टीरिया लैक्स, तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा है कि सम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग, तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। 124 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा है हु डिस्कवर्ड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, तो इसके लिए दोस्तों लीडर एंड टाटम, तो इसको ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा है पास्चुराइज्ड मिल्क क्या होता है, तो एक होता है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, तो ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर टेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम किससे पाया जाता है, यस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर्योफेसियंस, फ्राइडी। तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर्योफेसियंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा है बैक्टीरियम इज फेवर्ड इन द स्टडीड ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिकॉज, ये कह रहा है कि इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट हैज स्टोन फ्री डीएनए। इसके बाद नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 129। कह रहा है सिट्रस कैंकर इज कॉल्ड बाय, किसके द्वारा, जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 130। कह रहा है इंटरफेरॉन्स आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग, कह रहा है कि इंटरफेरॉन किसके लिए यूजफुल है, तो कैंकर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 131। कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल डिफर फ्रॉम अदर प्लांट्स इन दैट दे लैक, तो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी असेंबलीज, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 132। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसमें जो है कौन सी साइज होती है, 2 to 10 माइक्रॉन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 133। कह रहा है कि बैक्टीरियम विच काज लंग ट्यूबरकुलोसिस, तो इसमें 133 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 133 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्टेज इन बैक्टीरिया, मतलब 134 में एंडोस्पोर, कोनिडिया, गोनिडिया, ओआइडिया, तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 135। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव मैंने कि वन क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक सेकेंड फोटोसिस्टम सेकेंड या क्रोमोप्लास्ट या क्रोमोफोर्स एंड फोटोसिस्टम फोटोसिंथेटिक सिस्टम फर्स्ट या ल्यूकोप्लास्ट। 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 136। कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ सॉइल इज असिस्टेड बाई, इसके द्वारा होता है, तो इसके होता है एजोटोबैक्टर। 136 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 137। कह रहा है माइक्रो विच इज हार्मफुल एंड इंटर द ह्यूमन बॉडी टू काज डिजीज इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग सेप्रोफाइट में क्या बोलते हैं, सिम्बियंट बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं या कमेंसल बोलते हैं, तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 138। कह रहा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाई इन ब्रैकेट, कह रहा है और फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअली इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ, ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 139। कह रहा है ग्राम स्टेन इच,
कह रहा है ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ए स्टेनिंग टेक्निक डेवलप बाई डच साइंटिस्ट ग्राम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 140। कह रहा है फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल आर नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईपीसोम कहते हैं, न्यूजोसोम कहते हैं, स्फेरोसोम कहते हैं या एक्रोसोम कहते हैं। तो 140 का जो राइट आंसर, 110 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 141। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो है ऑल बैक्टीरिया आर परस्पिरोसाइट, ऑल बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट या मेन बैक्टीरिया आर एटोट्रॉप्स या मेनी बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 142। या कह रहा है एंटेरिक बैक्टीरियल वा फूड पॉइजनिंग इन कॉज्ड बाय, तो इसमें ए हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 143। कह रहा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज्ड होता है। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा। इसके नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 144। कह रहा है नियोमाइसिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, नियोमाइसिन किससे पाया जाता है। तो नियोमाइसिन 144 का राइट आंसर ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी के द्वारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 145। कह रहा है कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन कम अंडर द फॉलोइंग ग्रुप्स, ये किसके द्वारा होता है। 145 का राइट आंसर, 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोकस होगा, कामा होगा, बैसिलस होगा, स्पाइरल होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैसिलस। इसके नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 146। व्हाट पिक्यूलियर एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम डीपी कोलिनेट डाई एमिनो पामेट या ग्लूटामेट। तो डी है नॉन ऑफ दिस। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूटामेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा है कि प्लाज्मिड्स आर क्या होते हैं, स्मॉल कॉइल्स ऑफ डीएनए होते हैं, स्मॉल कॉइल आरएनए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन या स्मॉल फोटोसिंथेटिक पार्टिकल ऑफ बैक्टीरिया। तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट। 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड इनटू नाइट्रेट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 149। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑफ वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजक्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 150। कह रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज दैट विच, तो इसमें जो है ये 150 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्ट ऑन वेराइटी ऑफ एथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 151। कह रहा है बैक्टीरियल राइबोसोम्स में पाया जाता है। तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है, इन साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 152। कह रहा है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया 152 का कह रहा है नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टू अमोनिया, अमोनिया टू नाइट्रेट या नाइट्रेट टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो 152 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 153। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब 153 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या होगा, डिप्थीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 154। कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स फ्रॉम अमोनिया थ्रू नाइट्रोसोमोनास इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 155। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम लेग्यूमिनोसोसेरम इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स इज नोन एज, तो इसको हम लोग कहते हैं 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 156। कह रहा है कि ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिराइव्स
इट्स एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन एक्सेप्ट। तो इसका जो 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 157, कह रहा है ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस इन एवरी मिनट एंड टेक्स वन हावर टू फिल ए कप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप। तो 57 नंबर क्वेश्चन, 157 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 59 मिनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है 158, नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 158, कह रहा है हीमोफिलस यू इन्फ्लुएंजी इन्फ्लुएंजा काज, तो ये कौन सा काज करता है। 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहा है कि मेनिंजाइटिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 159, कह रहा है आइसोलेशन ऑफ बीटी जीन फ्रॉम बैक्टीरियम, इसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस थुरिजेंसिस, हैज टेकन बाय इन द ईयर। तो 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 160, कह रहा है माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग सेंसिटिव टू। तो 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है 161 क्या कह रहा है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 162, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काज डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया को कौन काज करता है। तो वन कॉर्नी बैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, बैसिलर डिफ्थीरिया, साल्मोनेला टाइफोसा। तो 162 का राइट आंसर क्या होगा, कॉर्नी बैक्टीरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 163, कह रहा है द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट सिग्निफिकेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो इसका इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चीज, बेक्ड ब्रेड या कॉफी। तो 163 का राइट आंसर बेक्ड ब्रेड हो जाएगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 164, कह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म लैकिंग क्लोरोफिल बट एबल टू कैरी ऑन फोटोसिंथेटिक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज बीन फाउंड अमंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 164 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 165, कह रहा है द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज ऑफ। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड पॉइजनिंग एंड गैस फॉर्मिंग बैक्टीरियम। तो इसमें जो है साल्मोनेला टाइफोसा हो जाएगा, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म हो गया, या साइजेला बॉडी हो जाएगा, एस्चेरिया कोलाई हो जाएगा। तो इसमें 166 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 167, कह रहा है इफ ऑल द बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑफ द वर्ल्ड आर डिस्ट्रॉयड देन, मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द वर्ल्ड विल बी कॉम्पैक्ट विद डेड बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 168, कह रहा है द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट आर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैटोबैक्टर, राइजोबियम लेगुमिनस सेरम, या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, या नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो 168 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 169, क्या कर रहा है, ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ मिक्सिंग फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्टेजाटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, या स्टेफाइलोकोकस, या नॉन ऑफ दिस। 169 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 170, ये कह रहा है कि कलरलेस यूनिसेलुलर सेल वॉल बाउंड स्फेरिकल और रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली स्मॉलर देन 5 माइक्रॉन्स इन साइज विच लैक एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया। 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 171, कह रहा है बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला आर कॉल्ड। बैक्टीरिया को मतलब जो जिसमें फ्लैजिला नहीं है उसको क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 172, कह रहा है कि बैक्टीरिया बियरिंग फ्लैजिला ओवर द बॉडी आर कॉल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिट्राइकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 173, कह रहा है कि नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड में, व्हीट में, ग्राम में, या
कॉटन में। तो 173 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 174। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल, कौन सा इसमें मतलब ट्रू नहीं है। तो 174 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 175। कह रहा है सम डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब टिटेनस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 176। कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोरियस। 176 का राइट आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा, 176 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 177। कह रहा है कि पीली इन बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर, किसमें यूज होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रे हंटिंग, लोकोमोशन या सेक्सुअल कांटेक्ट। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि 177 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब किसके द्वारा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन को आइसोलेट किया गया था। तो ए है टी वार्ट, तो यानी क्वार्ट, ए फ्लेमिंग, या यस वाकमैन, या डी आर कोच, यानी कि 178 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 179। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली इज यूज्ड टू ऑब्टेन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटिन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 180। कह रहा है द चीफ कंपोनेंट ऑफ ए बैक्टीरियल सेल वॉल आर, कह रहा है द चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल आर। तो इसमें एमिनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 181। इसमें कह रहा है वी कैन कीप फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन कोल्ड स्टोरेज देन इन ऑर्डिनरी कपबोर्ड बिकॉज, 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 182। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये 182 का राइट आंसर ऑप्शन सी एंडोस्पोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 183। कह रहा है मेनिंजाइटिस ए डिजीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज होता है। 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निजेरिया या नाइजेरिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव सब क्वेश्चन नंबर 184। कह रहा है बैक्टीरिया कॉमनली रिप्रोड्यूस वेजिटेबली, तो इसमें बाइनरी फ्यूजन कह रहा है, कंजुगेशन कह रहा है, वो आइडिया कह रहा है, बर्डिंग कह रहा है। तो इसमें जो 184 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 184 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाइनरी फ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 185। कह रहा है द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इन एग्जाम्पल ऑफ ए, 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेट्रो वायरस। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 186। कह रहा है मोजाइक ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय, मोजाइक ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस। ऑप्शन 186 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 187। कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी इज, मतलब टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल कौन सा, ऑप्शन सी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसको हम बोलते हैं। और नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 188। कह रहा है वार्ड लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाई ए होस्ट सेल इन रिस्पॉन्स ए वायरल इन्फेक्शन विच प्रोटेक्ट प्री इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम ए वायरल इंटरफेक्शन। 188 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 189। कह रहा है लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज, मतलब लॉन्गेस्ट नोन वायरस कौन सा है। 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सिट्रस ट्रिस्टेजा, सिट्रस डिस्ट्रेसा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 190। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें जो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि सम वायरस कंटेन डीएनए एंड सम कंटेन
सम कंटेन आरएनए, ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 191 ए कह रहा है इन्फेक्टिव नेचर ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, 191 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है कि एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, मतलब एड्स किसके द्वारा कॉज्ड होता है, तो इसमें एसटीएलवी थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं एलएबी एआरबी राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है व्हिच वन ऑफ दीज वायरल डिजीज, तो इसमें 193 का जो राइट आंसर कौन सा होगा, 193 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ऑफ ए प्लांट डिजीज इज, मतलब 194 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरॉइड हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट वायरस, मतलब 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 5 यानी कि कह रहा है एक बराबर क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट वायरस 5। एक इसके बाद लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस फंजाई माइकोप्लाज्मा, तो 196 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय हर्शे एंड चेज टू प्रूव दैट डीएनए इज द केमिकल बेसिक ऑफ हीएरडीटी, तो इसमें T2 बैक्टीरियोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीएनए कंटेनिंग प्लांट्स वायरस, तो इसमें हो जाएगा काउलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है फर्स्ट एनिमल पैथोजेनिक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाई, मतलब इसमें 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 199 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर लोफलर एंड फ्रोस। 200 क्वेश्चन को देखते हैं बनाना बंची टॉप इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट आपका थर्ड